कि आप लोग भी कुछ इस लेवल एडिटिंग करना चाहते हो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कुछ इस लेवल एडिटिंग कैसे करोगे, तो आप लोगों के यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी जाकर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गूगल को ओपन कर देना होगा एंड यहाँ पे सर्च कर लेना होगा बींग AI इमेज जनरेटर, ठीक है गाइस। ये आप सर्च कर लोगे, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह वाला इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ पे सिंपली पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरह वाला इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन कर देना, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं देखो मैं लॉगिन कर चुका। तो यहाँ पे आपको साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे साइनिंग कर देना, बहुत ईजी। अगर आपको नहीं मिले डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, उसमें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लेना, ठीक है गाइस। तो उसके बाद कुछ इस तरह वाला इंटरफेस मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे लिख के सर्च कर लेना। अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे भी दिखा रहा हूँ, आप लोग करोगे क्या, आप यहाँ पे कमेंट्स में टाइप कर लोगे जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, तो आप भी कमेंट्स में टेक्स्ट कर लो और उसके बाद कमेंट भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद कॉपी कर लेना एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है ना यू वी यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे सिंपली अपना नाम लिख लेना है। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम यू वी है, तो मैं यहाँ पे यू वी लिख लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हो क्रिएटिंग हो रहा है ना, एंड उसके बाद जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो उसके बाद करना क्या, उसको वीडियो कैसे बनाना है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे AI जनरेट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली कोई सा भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर देना, कुछ इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर लेना एंड उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारे गैलरी में यहाँ पे सेव हो जाएगा एंड उसके बाद करना क्या वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी कैपकट ऐप क्या है, सेकंड यहाँ पे पड़ेगी VPN की। आप लोग दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड अगर उसे नहीं मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल क्लिक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर फटाक से ज्वाइन करके आना, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली VPN को ओपन कर देना होगा कुछ इस तरह से, मैं कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड इसको कनेक्ट कर देना कुछ इस तरह से, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से गूगल को ओपन कर देना होगा, यहाँ पे सर्च कर लेना होगा थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, ठीक है गाइज। सर्च कर लो, सर्च करने के बाद पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे करना क्या, कुछ इस तरह वाला इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे यूज टैपलेटिंग कैपकट पे क्लिक कर लेना एंड ये यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा एंड उसके बाद जो ये हमारे कैपकट ऐप में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, इसमें ओपन हो चुका है एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा यूज टैपलेट, सिंपली उस पर क्लिक कर लोगे एंड उसके बाद हमारे कैपकट ऐप में ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली फोटोज़ के सेक्शन में चले जाओगे एंड यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लोगे जो आपने जनरेट की होगी एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे थोड़ा लोडिंग इफेक्ट लेगा, आपके नेट के हिसाब से यहाँ पे टाइम ले सकता है, ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और कम टाइम भी ले सकता है, जैसा आपका नेट होगा तो उतना टाइम यहाँ पे लेगा। तो देखते हैं मेरे को कितना टाइम लेता है, ये हो चुका है। एंड उसके बाद इसमें म्यूजिक कैसे लगाने वाला है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। जिस तरह वाले इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट विद वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। तब उसमें म्यूजिक कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जब तक एक्सपोर्ट हो जाता है हमारी गैलरी में। तो तब तक आप लोग चैनल को जाकर फटाक सब्सक्राइब कर लोगे एंड वीडियो को भी जाके लाइक कर दोगे। करने के बाद आप लोगों को सिंपली बैक चले जाना होगा। बैक चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इंस्टा को ओपन कर देना होगा एंड सबसे पहले आप लोगों को VPN को डिसकनेक्ट कर देना होगा एंड यहाँ पे सिंपली आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा एंड आप लोगों को ये वाली आईडी यहाँ पे सर्च कर लेनी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे UV ऑफिशियल 0x यहाँ पे आप सर्च कर लोगे एंड रील्स के सेक्शन में चले जाओगे एंड फर्स्ट में जो रील आती है ये वाली, इसको आपको यहाँ पे सिंपली ओपन कर देना एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे यूज आईडी पे इसको क्लिक कर लेना एंड यूज आईडी पे क्लिक कर लोगे एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपली एड पे क्लिक करना है, जहाँ पे एड यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंपली वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लोगे एंड उसके बाद अपना जो वीडियो है जो आप लोगों ने क्रिएट किया होगा सिंपली उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है गाइस। तो मैं अभी यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग सिलेक्ट कर देना एंड उसके बाद कुछ इस तरह वाला इंटरफेस मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे एंड यहाँ पे हैशटैग डाल दोगे, टाइटल डाल लोगे जो भी आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे शेयर कर दोगे एंड उसके बाद जो म्यूजिक भी ट्रेंडिंग वाला आएगा और आपका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल चला जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जाकर टैक्स सब्सक्राइब कर लेना। हम लेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।